नमस्कार दोस्तों, टैक्स फॉर प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, ईपीएफओ के जो मेंबर्स हैं, ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उनके लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है। पूरी डिटेल से इस अपडेट के बारे में बताऊंगा और हमारी कोशिश यही रहती है जब भी कोई अपडेट आता है सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें, जिससे कि आप अप टू डेट रहें। अगर आप ईपीएफओ के पेंशनर्स हैं, ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, अगर आपको भी इस तरह के रेगुलर अपडेट आप पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, अपडेट निकल के आ रहा है, ईपीएफओ को इक्विटी मार्केट में निवेश पर लगातार हो रहा नुकसान। संसदीय पैनल ने उठाए इन्वेस्टमेंट पर सवाल, और इस न्यूज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके आप इसको दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो। बाकी ये जो अपडेट है, ये लेटेस्ट अपडेट है, अक्टूबर 22 का अपडेट है। चलिए पूरी डिटेल से इस अपडेट के बारे में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे बताया कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से लगातार इक्विटी मार्केट में निवेश किए जाने पर संसदीय पैनल ने सवाल उठाए हैं। संसदीय पैनल ने कहा है कि मार्च अप्रैल के बाद से ही मार्केट में गिरावट की स्थिति है, ऐसे में इसमें निवेश करने की क्या जरूरत है। यही नहीं, संसदीय पैनल ने सवाल किया कि आखिरी कौन इस संदर्भ में फैसले लेता है, किसे इस फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बीजेडी सांसद भूर्तहरि मेहताब के नेतृत्व वाली संसदीय समिति ने कहा कि हमें इन सवालों के जवाब में लिखित में दीजिए। बुधवार को श्रम मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों और ईपीएफओ के अफसरों के साथ मीटिंग में संसदीय पैनल ने यह सवाल उठाया। ईपीएफओ को एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स में 1.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर 31 मार्च 2020 तक -8.29% रिटर्न हासिल हुआ है। ईपीएफओ की एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स में अगस्त 2015 से ही निवेश किया जा रहा है। शुरुआत में ईपीएफओ ने अपने निवेश की कुल निधि में से 5% की रकम स्टॉक मार्केट में लगाई थी। इसके बाद ईपीएफओ की ओर से 2016-17 में इसे 10% कर दिया गया था, और फिर 2017-18 में यह आंकड़ा 15% हो गया था। और यहाँ पे देखिए, सबसे मेन जो बात है ईपीएस पेंशन को लेकर, संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी कि ईपीएस 1995 के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर भी निर्णय लेने को कहा। समिति का कहना है कि ईपीएफओ के सीबीटी ने अगस्त 2019 में मासिक न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक करने की सिफारिश की थी, लेकिन एक साल बाद भी सरकार की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। हमने उन्हें फैसला जल्द लेने के लिए कहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ईपीएस पेंशनर्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से ईपीएफओ के द्वारा जो संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत जो मासिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर भी निर्णय लेने को कहा है। समिति का कहना है कि ईपीएफओ के सीबीटी ने, जो ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग होती है, उसने अगस्त 2019 यानी कि एक साल पहले ही मासिक न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक करने की सिफारिश की थी, लेकिन एक साल बाद भी सरकार की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। हमने उन्हें फैसला जल्द लेने के लिए कहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लेट हो रहा है, ये सरकार की तरफ से लेट हो रहा है मिनिमम पेंशन को बढ़ाने को लेकर। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट है ईपीएस पेंशनर्स के लिए। और यहाँ पे नीचे बात करें तो बता दें कि ईपीएफओ को इक्विटी मार्केट में नुकसान के चलते पीएफ खाताधारकों को ब्याज देने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते ईपीएफओ ने 2019-20 के ब्याज को 2 किस्तों में जारी करने की बात कही है। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा था पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए और ईपीएस पेंशनर्स के लिए। यहाँ पे एक साल पहले ही सिफारिश कर दी गई थी ईपीएस पेंशन को बढ़ाने को लेकर, बट सरकार की तरफ से जो है कोई फैसला नहीं लिया गया। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बाकी इस न्यूज का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पे जाके आप दोबारा से पढ़ सकते हो। और दोस्तों, आगे जो भी कोई अपडेट आएगा सरकार की तरफ से, ईपीएफओ की तरफ से, सीबीटी की मीटिंग से, या फिर जो भी संसदीय समिति है उसकी तरफ से जो भी अपडेट आएगा, हम सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सरकार को जो है एक साल पहले ही निर्णय ले लेना चाहिए, क्या मिनिमम पेंशन 3000 होने चाहिए, फिर 5000 होने चाहिए, या फिर 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता होना चाहिए? कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। और हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो हमेशा ओपन रहता है, किसी भी तरीके का जो है ऑफ, कमेंट ऑफ नहीं रहता। अपनी राय, अपना फीडबैक आप जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।